एक्स्ट्रा ऐप को ओपन कर लिया हूँ, और ओपन करने के बाद गाइस इस प्लस वाले आइकन को प्रेस करेंगे और इसमें आपको एक वीडियो को ऐड करना होगा। तो सिंपली हम जाएंगे मीडिया पे और इस वीडियो को ऐड करेंगे। तो ये सब्सक्राइब वाली वीडियो है, तो अब आपको लेयर्स पे जाना है और मीडिया पे जाना है। तो इसमें आपको लोगो या यूट्यूब के प्रोफाइल फोटो को ऐड करना है जो अभी आपका रिसेंटली है, मतलब मेरे चैनल पे ये प्रोफाइल फोटो है। तो अगर आप इस तरह सर्कल में एडिट करना चाहते हैं गाइस तो इस वीडियो को देख लेना। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ कि इसे सर्कल कैसे बना सकते हैं। तो ये हो गया डन गाइस। फिर से लेयर्स पे आके टेक्स्ट पे आना है और इसमें अपना चैनल का नाम लिखना है। मेरा चैनल का नाम है दीपक क्रिएशन, देन इसे ओके कर देंगे और इसको आपको यहाँ सेट कर देना है। और सेट करने के बाद इस कलर वाले आइकन को प्रेस करना है और आपको ब्लैक कलर को चूज कर लेना है। देन आपको यहाँ स्क्रॉल करके यहाँ देख सकते हैं शैडोज, इसे ऑफ कर देना। तो ये हो गया ऑफ और इसे डन कर देना। डन गाइस फिर से लेयर्स पे आ जाना है आपको और फिर से टेक्स्ट पे आ जाना है और इसमें आपको टाइप करना है अपने मतलब कौन सा कैटेगरी के चैनल है। जैसे कि मेरा फोटो एडिटिंग एंड टिप्स, तो हमारा चैनल है फोटो एडिटिंग से रिलेटेड। देन आपको इसे भी शैडोज को ऑफ कर देना है और उसके बाद कलर वाले आइकन को प्रेस करके ब्लैक कलर को चूज कर लेना है और इसे आपको यहाँ सेट करना है। और ध्यान रखिए कि इसे छोटा रखना है, मतलब आपके चैनल के नाम से छोटा रखना है। और इसको इस चैनल की टेक्स्ट को ओपन करना है, मतलब प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद गाइस इस आइकन को प्रेस करेंगे, मतलब फंड्स वाली आइकन को प्रेस करेंगे और इस फंड्स को अप्लाई करना है। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं नोटो सारे बोल्ट, तो इसे अप्लाई करना है। या आप यहाँ देख सकते हैं रोबोटो बोल्ट, इसे अप्लाई करना है। जैसे आपका जो फंड्स है गाइस वो थोड़ा बड़ा और मोटा दिखेगी, तो इससे आपका जो चैनल का नेम है वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो मेरे काइन मास्टर में बक्स है इसीलिए अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप इसे सेट जरूर कर लेंगे। और किसी चीज़ पे आएंगे और टेक्स्ट को स्टार्टिंग पे ले आते हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे लेते हैं और उसके बाद टेक्स्ट को ओपन करके इन एनिमेशन को प्रेस करना है और इसमें आपको यहाँ देखने को मिलेगा स्लाइड अप, तो सबको अप्लाई करना है। तो वैसे ही आपको सब में करना है, मतलब चैनल के नाम के टेक्स्ट पे आ जाना है और इन एनिमेशन पे जाके स्लाइड अप, और वैसे ही पीएनजी पे इन एनिमेशन पे जाके स्लाइड अप और इसे डन कर देंगे। आपको लास्ट पे आ जाना है, तो लास्ट में आपको यहाँ देखने को मिलेगा आउट एनिमेशन, तो इसमें आपको स्लाइड डाउन करना है और इसको मैं थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ। तो वैसे ही आपको दोनों पे करना है, तो इस पेंजी को स्लाइड करके भी स्लाइड डाउन कर दूंगा। तो ये हो गया, देन आपको मैं यहाँ प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये थोड़ा लेट हो जा रहा है, तो इसलिए आपको इसे थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसे कम कर दूंगा, ये हो गया कम। अब आपको प्ले करके दिखाना है, तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अब आ जाएंगे फिर से स्टार्टिंग पे, देन आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये भी परफेक्टली वर्क कर रहा है, आगे पीछे थोड़ा सा हो जाता है, इतना कोई नोटिस भी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी इस ऐड करने में। देन गाइस इसे सेव करने के लिए इस आइकन को प्रेस करना होगा, सेव वाले आइकन को, और इसको सिंपली आपको एक्सपोर्ट को प्रेस कर देना होगा। तो ये वीडियो हो जाएगा सेव। तो गाइस आपका एनिमेटेड सब्सक्राइब वीडियो बन चुकी है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा इसे अप्लाई करके अपने वीडियो पर। तो सिंपली मैं यहाँ अपने वीडियो को ऐड कर लिया हूँ। तो गाइस सिंपली आपको लेयर्स में जाना है और मीडिया पर जाना है, और अभी जो हमने सेव किए थे सब्सक्राइब एनिमेटेड वीडियो को उसे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं पहले, देन आपको यहाँ स्क्रॉल अप करने के बाद क्रोमा की का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसे इनेबल कर देना है। तो इसे मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। सो आई होप गाइस आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और एक कमेंट छोड़ के जरूर जाना। और आप लोगों ने